राम राम, वेलकम बैक, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉकी स्टॉक विद गौतम में। और आज जो मैंने दूसरी वेब सीरीज देख के कंप्लीट की है उसका नाम है गुल्लक। उसका सेकंड सीजन मैंने देख के कंप्लीट किया है यार। इसका पहला सीजन भी मुझे बहुत पसंद आया था बट उसका मैं रिव्यू नहीं कर पाया था। इसके सेकेंड सीजन का रिव्यू लेकर के अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सेकेंड सीजन भी पहले सीजन की तरह ही काफ़ी एंटरटेनिंग है और वही परिवार है, मिश्रा परिवार, और मिश्रा परिवार की कहानी है। 2 घंटे 40 मिनट के टोटल 5 एपिसोड है और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। पहला सीजन जब इसका मैंने देखा था तो मैं इसका फ़ैन हो गया था एक तरीके से। TVF ओरिजिनल्स की ये वेब सीरीज है और सिंपल मिडिल क्लास परिवार की कहानी दिखाती है। इसमें एक मिश्रा परिवार की कहानी है और मिश्रा परिवार के मुखिया हैं, जमील खान ने उनका कैरेक्टर निभाया है मिश्रा परिवार के मुखिया का। गीतांजलि कुलकर्णी ने निभाया है शांति मिश्रा का किरदार। वैभव राज गुप्ता ने निभाया है अन्नू मिश्रा का किरदार और हर्ष मायर ने निभाया है अमन मिश्रा का किरदार। यार ये 4 कैरेक्टर हैं बट इनकी नोकझोंक इतनी ज़बरदस्त है वो आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप भी सिंपल और मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप इससे अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल लिखी हुई कहानी है और जैसा कि आपने पहला सीजन अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी आपको पूरे सीजन के दौरान देखने को मिली होगी। कोई भद्दी कॉमेडी नहीं है। एक कहते हैं ना कि मतलब जब आप फालतूगिरी करते हैं तो उल्टी ज़्यादा वाहियात फिल्में बना लेते हैं। बॉलीवुड हमेशा से ही गलती करता रहा है लेकिन आजकल वेब सीरीज जो आ रही हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी आ रही हैं। कॉमेडी के नाम पे कोई फूहड़ता नहीं है इस सीरीज में। आप इसको अपने परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं और उल्टा अगर आप परिवार के साथ बैठ करके देखेंगे तो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। जमील खान जिन्होंने इसके मिश्रा जी का किरदार निभाया है वो विद्युत विभाग में काम करते हैं। गीतांजलि कुलकर्णी जिन्होंने शांति मिश्रा का किरदार निभाया है वो एक हाउस वाइफ है, वो अपना घर संभालती हैं। वैभव राज गुप्ता जो कि अन्नू मिश्रा के किरदार में है, जिनको आपने पहले सीजन में SSC की पढ़ाई करते हुए देखा होगा और फेल होते हुए देखा होगा, वो दूसरे सीजन में नेतागिरी करने उतर चुके हैं। वो वहाँ के एक प्रिंसु भैया के चमचे बनकर घूमते रहते हैं गैस एजेंसी पाने के लिए और कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। हर्ष मायर ने जो अमन मिश्रा का किरदार निभाया वो इस बार 10वीं में टॉप कर जाते हैं, 87% और कुछ अंक उनके आते हैं तो उनकी काफ़ी वाहवाही होती है। अन्नू मिश्रा इससे काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। उनको ना गैस एजेंसी का लाइसेंस मिलता है नेताजी की चमचागिरी करने के बावजूद भी, और परिवार में भी उनको एक अलग थलग पोजिशन मिल जाती है, अलग थलग कर दिया जाता है। धीरे धीरे यार कहानी चलती रहती है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो गुल्लक को जब आप देखना शुरू करेंगे तभी स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि कहानी नहीं है, ये किस्सों का एक पुलिंदा है जो कि गुल्लक है। इसमें जिंदगी को गुल्लक की तरह बताया गया है जिसमें कई यादों के किस्सों को जोड़ा जाता है। इसी प्रकार एक गुल्लक है जिसमें बहुत सारी यादें जोड़ी जाती हैं। मिडिल क्लास परिवार है, वो कभी एक्टिवा लेने के सपने देखता है, कभी TV लेने के सपने देखता है, कभी मिक्सर ग्राइंडर लेने के सपने देखता है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके अलावा बिट्टू की मम्मी नाम से जो एक कैरेक्टर है, उनका नाम बिट्टू की मम्मी ही है, उनका कहीं भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया कि क्या नाम है उनका एक्चुअल में। पूरी सीरीज में वो बिट्टू की मम्मी ही है और बहुत ही शानदार कैरेक्टर मुझे वो लगता है। जब भी वो स्क्रीन पर आती है सबको बहुत ज़्यादा हंसी आती है और उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये वेब सीरीज आप सभी लोगों को देखनी चाहिए यार, परिवार के साथ बैठ करके इसे उल्टा ज़्यादा एंजॉय किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ बैठ करके एक अच्छी कॉमेडी वेब सीरीज देखें जो कि ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आपको एंटरटेन भी करे, आप उससे अपने आप को रिलेट भी कर पाएं, तो गुल्लक का सीजन 2 आपके लिए है डेफिनेटली। पहले पहला सीजन देखिएगा, बहुत अच्छा है। उसके बाद सेकंड सीजन देखेंगे, वो भी आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेगा। रेटिंग की अगर बात करें तो 5 में से इसको मिलेंगे डेफिनेटली 3.9 अंक। और वाहियात नहीं है, बलगर नहीं है और सिंपल स्टोरी चलती रहती है, आपको बहुत ज़्यादा गुदगुदाने वाली है। तो ये था हमारा गुल्लक के सीजन 2 के लिए रिव्यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलते रहें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।